हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि लाइफस्टाइल। और आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो आटा नूडल्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये खाने में बहुत ही यम्मी लगेगी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो देखिए, ये मैंने इसके लिए प्याज लिया है, एक प्याज है। मिर्च मैंने एक लिया है जिसे बहुत बारीक कट कर लिया है। 3 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिसे भी मैंने बहुत बारीक कट किया है। और यहाँ पे और मैंने मशरूम लिया है जिसे मैंने कट कर लिया है, और शिमला मिर्च जिसे मैंने लंबे कट में काटा है, और बंद गोभी होता है, बंद गोभी भी मैंने कट कर लिया, और फ्रेंच बीन कट कर लिया है लंबे आकार में, और मटर। तो अब चलिए चलिए अब बनाते हैं इसे किस तरह से। झटपट बनाऊंगी मैं, और बिल्कुल 5 से 6 मिनट में ये चाउमीन आप बनाकर रेडी कर लेंगे। पानी जो है वो हल्का गर्म, हम चाउमीन बनाने आ चुके हैं और पानी हल्का गर्म हो चुका है। हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और नमक भी ऐड करेंगे। और नमक ऐड करने के बाद मैं ऐड कर दे रही हूँ है, तो इसे इस तरह से फोक की सहायता से फैला लेंगे। और देखिए, चाउमीन पूरा उबल रहा है, तो अब 2 से 3 मिनट में ये उबल जाएगा। और चाउमीन को बहुत ज्यादा नहीं उबालना है, थोड़ा सा टाइट रखना है। तो एक बार मैं चेक कर लूंगी, तो देखिए ये बिल्कुल ठीक है, नहीं तो फिर ये गीला हो जाएगा। और इसे बंद कर दिए हैं, और इसे मैं इसमें इस स्ट्रेनर में छान लूंगी। और चाउमीन मैंने स्ट्रेन कर लिया, और उसके बाद इसे ठंडे पानी से हल्का धो दिया है, क्योंकि उससे क्या होगा कि इसमें चिपकेगा नहीं वो जब आप इसे फ्राई करेंगे, तो इस वजह से इसे ठंडे पानी से हल्का धो देना होता है, नहीं तो ये बहुत गीला हो जाता है। कढ़ाई गर्म होने के लिए हमने रख दिया है, और इसमें हम ऑयल भी ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, मिर्च और प्याज, इसे फ्राई करेंगे। और कुछ कैमरे की इश्यू के कारण मैं आप रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो अभी मैं बता दे रही हूँ। इसमें जो प्याज और लहसुन हल्का फ्राई हो चुका था, प्याज का कलर चेंज हो चुका था, तब हमने ऐड कर दिया था बीन, मटर और बंधा गोभी और मशरूम। और इसे हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे, और उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। और ये फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर दूंगी। शिमला मिर्च हमें ज्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। हमने चाउमीन में ऑलरेडी सॉल्ट ऐड किया है, तो हल्का ही ऐड करेंगे। फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे, जो कि हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून एंड 2 टीस्पून। तो देखिए, हमने 2 टीस्पून सोया सॉस ऐड किया है। टमेटो सॉस भी ऐड करेंगे 1 टीस्पून एंड 2 टीस्पून। और इसमें हम ऐड करेंगे चिल्ली सॉस 1 टीस्पून एंड 1/2 टीस्पून। इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और नमक ऐड नहीं करना है, क्योंकि सॉस में भी नमक होता है, और हमने ऑलरेडी चाउमीन में भी नमक ऐड किया था, और हल्का सा वेजिटेबल में भी ऐड किए थे, तो अब हम इसमें कोई नमक यूज नहीं करेंगे। अब हम इसमें चाउमीन ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे घोल की पाउडर, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे मैगी मसाला, जो कि टेस्ट इसका बहुत ही बढ़ा देगा। और अब इसे हम इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने से क्या होगा कि चाउमीन जो है वो टूटेगा नहीं, नहीं तो क्या होगा कि आपका टोटल चाउमीन टूट जाएगा, फिर वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो चाउमीन बनकर रेडी हो चुका है, देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो बस चाउमीन अब बनकर रेडी हो चुका है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे। चाउमीन बनकर रेडी हो चुका है, और ये आटा नूडल्स है, और इसमें जो मैगी मसाला का मैंने तड़का लगाया है ना, वो बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। तो आप एक बार इस तरह से आटा नूडल्स को भी बना के देखिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, और खाने में बहुत ही यम्मी लगने वाला है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा रुचि लाइफ स्टाइल, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी
जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल पाए और आप मेरा हर एक वीडियो देख पाए। तो बाय फ्रेंड्स, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।